दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर से दुनिया के बड़े हथियार एक्सपोर्टर बनने का भारत का सफर ज्यादा पुराना नहीं है। महज 7 साल के अंदर भारत सरकार दुनिया के कई देशों को 38,500 करोड़ रुपए के हथियार बेच चुकी है। हालांकि भारत अब भी हथियारों का एक बड़ा इंपोर्टर है। सऊदी अरब के बाद भारत दुनिया भर के देशों से हथियार खरीदने में दूसरे नंबर पर है, लेकिन इस खरीदारी में साल 2016 से 2020 के बीच 33% गिरावट आई है। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के अभियान के बाद भारत अब हथियार खरीदने वाले से हथियार बेचने वाला देश बनने की राह पर है। दुनिया भर के बड़े देश हथियार बेचकर ही अमीर बने हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस और इजराइल जैसे देश दुनिया भर के देशों को हथियार बेचकर पैसा कमाते हैं। भारत भी अब इस रेस में शामिल हो गया है। अभी तक भारत पूरी दुनिया के उन 100 देशों की दौड़ में शामिल हो गया है जो हथियार बनाकर बेचते हैं। भारत का लक्ष्य है कि वो साल 2025 तक अपना सालाना एक्सपोर्ट का बिल 35,000 करोड़ रुपए तक लेकर जाएं, यानी हम दुनिया भर के देशों को इतनी कीमत के हथियार बेचें। इसको लेकर भारत सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। न केवल भारतीय कंपनियों को हथियार बनाने के लिए सुविधाएं और छूट दी जा रही हैं, बल्कि विदेशी कंपनियों को भी भारत आने का न्योता दिया जा रहा है, ताकि वो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर हथियार बना सकें। हाल ही में रूस के साथ एक राइफल बनाने का 5,500 करोड़ रुपए का करार भी हुआ है, जो भारत में ही बनाई जाएंगी। भारत अब तक दुनिया भर के 75 देशों को हथियारों की सप्लाई कर चुका है। सुरक्षा कारणों की वजह से इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि सबसे ज्यादा भारत से हथियार खरीदने वाले दुनिया के कौन से देश हैं। भारत ज्यादातर देशों को आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स, वेपन्स लोकेटिंग रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम्स और टियर गैस लॉन्चर्स बेचता है। केवल इतना ही नहीं, भारत ने चीन को घेरने के लिए चीन के दुश्मन देशों को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस भी दी है। भारत की नजर एशियाई देशों के साथ ही अफ्रीकी देशों पर भी है, क्योंकि दुनिया भर के तीसरी दुनिया के देशों को सस्ते और टिकाऊ हथियार चाहिए जो भारत उन्हें आसानी से मुहैया करा सकता है और अपने हथियारों की मंडी को बढ़ा अपने लक्ष्य को पा सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.